नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। जब भी हम कोई एक नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस समय क्या देखते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको इधर कोई कॉन्ट्रैक्टर चाहिए या फिर बिल्डर या डेवलपर चाहिए, तो उनका सिलेक्शन कैसे करना है, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर या डेवलपर कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर सकता है, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं, हाउ टू सिलेक्ट अ बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर फॉर टू कंस्ट्रक्ट आवर बिल्डिंग। सबसे पहले हमको देखना है वो बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर है उसका रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद में उसका कितना एक्सपीरियंस है, वो कब से रजिस्टर है और कब से वो काम कर रहा है। उसके बाद उसकी टेक्निकल कैपेसिटी मतलब उसका स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ कितना है, मैन पावर कितना है, मशीनरी कितना है, इक्विपमेंट कितने हैं, और ये सब डिटेल उसका कितना टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मैन पावर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। उसके बाद उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी मतलब उसका एट प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, प्रीवियस 3 ईयर्स का उसका पूरा PNL स्टेटमेंट, जैसे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, उसका ITR, वो सब चेक करना है। उसका सस्टेनिंग कैपेसिटी कितना है वो चेक करना है। इसके बाद में उसने सिमिलर प्रोजेक्ट्स प्रीवियस में कितने किए हैं, मतलब एक जैसे हमारा जो भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट है उसके सिमिलर प्रोजेक्ट्स उसने प्रीवियस किया है कि नहीं किया है, उसके वो चेक करना है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट, उसने जो भी साइट्स किए हैं, कंप्लीट किए हैं, उसको साइट विजिट करना है। जो भी कंप्लीटेड साइट्स है या फिर ऑन गोइंग साइट्स है, वो दोनों प्रोजेक्ट्स को, एक कंप्लीटेड साइट एज वेल एज एक ऑन गोइंग साइट, उसको विजिट करना है, वहाँ जाके चेक करना है उसका जो ऑनगोइंग साइट चल रहा है उसका क्वालिटी कैसा है, उसमें साइट प्रोटोकॉल फॉलो किया है कि नहीं किया, उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया है कि नहीं किया, और स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स वो फॉलो करता है कि नहीं करता है, उस पर क्वालिटी नॉर्म्स फॉलो करता है कि नहीं है, वो टेस्टिंग वगैरह, मटेरियल टेस्टिंग, डिफरेंट एक्टिविटी टेस्टिंग, वो सब प्रॉपर करता है कि नहीं करता है, वो सब चेक करना है। और जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के बाद में वहाँ जो लोग रह रहे हैं या फिर जो जिनके लिए उसने काम किया उनके थ्रू उसका जो भी रिव्यू है वो चेक करना है। उसके बाद में उसके कुछ रेफरेंस के थ्रू वेरीफाई करना है, उसका कैसा बिहेवियर है, उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है, क्या है, वो सब चेक करना है। और अगर उसने कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो वहाँ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को, मतलब जो थ्री ईयर्स या बिफोर कंप्लीट किया है, वहाँ जाके विजिट करना है, वो प्रॉपर है कि नहीं, वहाँ के लोगों के रेजिडेंस के कुछ कंप्लेंट्स है क्या, या फिर उनका एक्सपीरियंस कैसा है, या फिर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनका कॉन्ट्रैक्टर का या फिर बिल्डर का कैसा एक्सपीरियंस था, वो भी चेक करना है। इसके बाद में लीगल कंप्लायंसेस, वो प्रॉपर है कि नहीं, वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लीगली वो पूरा प्रॉपर है कि नहीं, वो सब चेक करना है। और ये होने के बाद में उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी चेक करना है, मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंस्ट्रक्शन वो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करता है, वो प्रॉपर करता है कि नहीं करता है, वो उसका लीगली सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर है कि नहीं, वो सब चेक करना है। उसका क्वालिटी मेन इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी भी चेक करना है। ये सारे पॉइंट्स है। तो मेनली टेक्निकल क्राइटेरिया, फाइनेंशियल क्राइटेरिया, उसमें ऑनगोइंग या फिर कंप्लीटेड साइट्स के साइट विजिट्स, उसका जो भी रिपोर्ट तैयार होगा उसके साइट वर्क के हिसाब से वो भी चेक करना है। उस वो क्राइटेरिया में कुछ नंबर्स या फिर पॉइंट्स देके आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जो भी बिल्डर या डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर आपको अपर साइड लगेगा, या फिर जिसका ये तीनों इसमें हायर उसके मार्किंग्स रहेंगे, रेटिंग्स रहेंगे, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से एक सिंपल प्रोसीजर है कि अपने बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर या फिर बिल्डर कैसे सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।